हे गाइज असल दिस्या एंड यूर वॉचिंग मी ऑन प्यूशा मैगजीन आज जो मेरी मेहमान है इंटरव्यूज़ देती ही नहीं है मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई कुछ मुझे मिल ही नहीं रहा था सवाए दो तीन छोटे क्लिप्स के तो आज सवाल बड़े बेसिक इन देंस कि उनकी जर्नी के बारे में होंगे 2005 के टू 2006 में उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया एक्टिंग का इंस्पेक्टर खोजी इंस्पेक्टर खोजी से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करते करते वो एक्टिंग की तरफ़ आ गई क्यों कैसे आज हम मालूम करेंगे दियार दिल मोहब्बत सुब का सितारा Um, सुनो चंदा और आजकल हम उन्हें देख रहे हैं दिले मोमिन में मेरे साथ हैं हैं तारा तारा बारे कैसी बिल्कुल ठीक ठाक तो करूं या थोड़ा पहले थोड़ी छोटी <coughs> बात सीधा सीधा भाई नहीं नहीं देती देती क्यों और पूछने का ना आई शाय

एंड एंड uh, जब से ये एक्चुअली यू नो द होल्ड जब जब से सारों को पता चला कि मैं फादर शक्क़त महमूद और फिर वो स्टूडेंट्स ने मुझे मेरे साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया उसके बाद तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था कर इंटरव्यू तो। देना कैसे आवाज़ आए कि ज़रूर मुझे हर जगह से आते हैं कॉल मॉर्निंग शोज ये वो तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं उन्होंने सीधा मुझसे यू नो बाबा के बारे में सवाल करने और यू नो आई डोट कॉन्स

हम बेसिकली इतने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो नहीं है तो उस वक्त तो कुछ फील ही नहीं होता था कि ऐसी कोई बात है ऑफकोर्स डैड है पार्ट वेरी क्लोज टू द गवर्नमेंट एंड जब बेनजीर आई थी तो उन्होंने उनको उनके साथ काम किया था तो उस वक्त भी हमें कुछ भी नहीं फील होता था यू नो वो तो जब सैनेटर बने थे तब हमें फील होता था

तो दैट्स वेन यॉरेंटू इट एंड सो मैं कहूँगी अगले पिछले दस साल में यू नो कुछ फील हुआ है ये डिफरेंस क्या था डिफ्रेंस ये था कि अपनी सारी जिंदगी को एकदम बंद कर देना था यू नो लाइक बिकॉज यू नो वैन यू कम फ्राम आई फैमिली वेयर योर फादर्स इन पॉलिटिक्स तो यू है बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप क्या क्या पोस्ट कर रहे हो किन से मिल रहे हो कहाँ जा रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वट एवर सो वो थोड़ा सा था यू नो अम्मी मेरी बड़ी उसको कि

सो इट वॉज ह्यूज अकम्पलिशमेंट हमारी फैमिली के लिए भी yeah. और बाबा के लिए भी लेकिन मुझे इस तरह से इंटरेस्ट है ये तो चलें कुछ चीज़ें हो गई कि यू you नो know, आप केयरफुल होना है कि पोस्ट क्या करना है पहनना क्या है yeah. किससे मिलना है किससे क्या बात करनी है यू you नो know? yeah. अपने ख्याल का इजहार करते हुए yeah. भी यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल लेकिन एज अ पर्सन क्या हुआ पोलिटिकल डिबेट्स होती थी लोग आते थे मिलते थे उससे आप एज अ पर्सन जो ग्रो कर रही थी आई वॉन्ट टू नो दैट कि वो एक्सपोजर आपको कैसे एकदम से पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज होना शुरू हो गए या यू um, नो you know, बहुत से लोग होते हैं वो बिल्कुल ही अपने आप को अलीहदा कर लेते हैं कुछ लोग उसको एबजॉर्ब करके अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेते हैं लाइक like, डिबेट्स की आदत हो गई हर चीज़ को हर न्यूज़ को उस तरह उठा के देखने mm. की आदत हो गई क्या क्या था कैसा था और जो लोग आज आ जा रहे थे बाबा के दोस्त जब यू नो पॉलिटिक्स में वो फुली चले गए तो But, उनकी उनसे मैं बेसिकली इतनी पोलिटिकल Hmm. नहीं हुई यू नो मुझे कोई पॉलिटिक्स का बहुत hmm. ज़्यादा शौक नहीं था okay. लेकिन ऑफकोर्स जब बाबा एम एन ए बन गए थे फर्स्ट टाइम अराउंड तो वी आर टू बी अवेयर के यू you नो know, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा यू नो अपोजिशन क्या कह रही है ये तो आई वॉज जस्ट अवेयर इट बस मैंने अपने आप को ज़रा थोड़ा सा सिखाना शुरू कर दिया था थोड़े अखबार पढ़ने शुरू कर दिए थे न्यूज़ hmm. देखना शुरू कर दी थी यू नो जस्ट सो दैट आई नो कि अगर कभी किसी ने मेरे से कोई सवाल कर लिया तो मैं यू you नो know, अपने पैरों पर खड़े हो सकती हूँ थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो किसी को बताया नहीं था नहीं। मैं तो कराची में रहती हूँ तो uh, आप किसी से पूछ रहे लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आपका तो लगता ही नहीं था कि आप इनकी बेटी हैं जब लोगों को पता लगा क्योंकि मैं तो uh, ऐसे एक्ट ही नहीं करती कि मैं किसी पॉलिटिकल फैमिली से आती हूँ तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं पैदा तो मैं पेशावर में हुई यू नो दैन माई फादर वज ए ब्यूरोट तो हम लोग बहुत ज़्यादा फिरते थे uh, कभी इधर पोस्टिंग कभी इधर पोस्टिंग अमेरिका हारवर्ड एंड यू एस एस ट्व थर्टीन दैन So, I was hmm. 12, 13 then. Hmm. so um, बहुत ज़्यादा मूव अराउंड किया है सो so, hmm. कुछ स्कूलिंग मैंने uh, कुछ अबाउट सेवन ईयर्स मैंने लाहौर में गुजारे हैं in one stretch। फिर उसके बाद दस साल मैंने अमेरिका में गुजारे हैं और अब मुझे चौदह साल हो गए कराची में मुझे समझ yeah. आ रही है कि हाँ आपकी आप yeah. मुश्किल है बहुत जगह और काफी uh -huh. लाहौर yeah. like सात साल फिर दस साल फिर चौदह साल yeah. college, कहां गए तो कॉलेज कहाँ गई हैं आप कॉलेज में अमेरिका गई थी hmm. and I did textile designing.

मैं सम मैं समझी थी कि एजुकेशन लड़की के लिए इन दोज़ डेज़ बहुत ज़्यादा जरूरी थी और उस वक्त लड़कियाँ बाहर पढ़ने नहीं जाती होती थी यू नो सो मेरी फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि मुझे बाहर भेजना है यू hmm. नो you know, बड़ी एक वो पूरी एक पंचायत नहीं होती सारे मेरे चाचे hmm. और मेरी दादी और सारे Achha. बैठे थे और एंड मेरे फादर हैं जिन्होंने उनको कन्विंस किया था No. कि uh, मैं अपनी बेटी को भेजना चाहता हूँ यू नो सो ग्रेजुएट कर ली तो मैंने जॉब भी ले ली वहीं पे वहीं पे जॉब भी yeah, ले, no. ले ली एंड आई टोल्ड माई डैड मैं नहीं आ रही वापस ओके okay. तो उन्होंने कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा ठीक है अब जॉब ले ली है सारा कुछ हो गया तो वो क्या कह सकते हैं yeah. so, I was there. तो मैं दस साल वहाँ पे रही हूँ so, आपने काम किया दस साल साल तो That's a a a a long time yeah, as a, as a, uh, as a textile designer. और फिर उसके की कैसे करती में। आपने तो सोचा होगा मैंने पाकिस्तान नहीं आना हुआ हाँ. मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से छह साल अगर आप काम कर रही है वहाँ तो पाकिस्तान लेकर आया ओके नाइन अलेवेन से जॉब में मसला हो गया और फिर उसके बाद जो वीज़ाज़ होते हैं एच वन वगैरह वो आ, मैं नहीं ले रह सक रही थी तो मुझे वापस आना पड़ा